आराम है छोटू। क्या चांद क्या हाल है? सही। इसमें क्या है? टिफिन। टिफिन किस लिए? खाना के लिए। कुछ खा रखा आपने? जूस पियोगे? कौन सा जूस पियोगे बताओ? मैंगो। मैंगो मांगो। इनसे क्या मांगना है? मैंगो। कितनी उम्र है चांद भाई आपकी? 7। 7 साल। यहाँ पे कैसे घूम रहे हो आप? खाना लाने जा रहे हैं। किसके लिए? मम्मी के लिए। मम्मी कहाँ है आपकी? अंदर है। अंदर कहाँ? सफदरजंग में। सफदरजंग? ये सफदरजंग हॉस्पिटल? हाँ। इसमें क्या है? इलाज चलता है। इलाज क्या हो गया मम्मी को आपको? बुखार है। कब से हो गए? बहुत दिन हो गए। पापा जी कहाँ है आपके? पापा नहीं है। क्या हो गया? ये क्या ऊपर है? एक्सपायर हो गए पापा। कैसे? कैंसर का। आपकी कितनी उम्र थी जब पिताजी खत्म एक्सपायर हुआ? 5। 5 साल। मम्मी से मिलाओगे आप? अपने जूस ले लेते हैं यहाँ से, मम्मी के लिए भी फायदेमंद रहेगा। ठीक है। दीदी बात कर सकते हैं आपसे? बहुत देर से देख रहे थे। वो बच्चा जो था आपका बेटा है, वो बाहर आपके लिए शायद खाना लेने जा रहा था, तो हम कुछ मदद करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आपकी मदद? मेरा है तबीयत खराब। अच्छा। बच्चे का तबीयत खराब है। ये लड़की है? हाँ। खाली इसको लेटरिन हो रहा है, ना मैं खा रही ना मैं पी रही, ना मेरा बच्चा खा रहा है, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई है, ना कुछ है। तो यहाँ पे इलाज कैसे चल रहा है यहाँ पे जगह? इलाज चलेगा क्या, ऐसे ही बैठे हो पागल का जैसे? ऐसे भिकमंगा लोग बैठा रहता है, खाना है ना पीना है तो आपको पता चल ही रहा है। मेरा बच्चा भी खाने पीने के लिए मोहताज है। तो आप किस उम्मीद से बैठे हो यहाँ पे फिर? मैं क्या करूँगा बताइए। नहीं कुछ तो लग रहा होगा कि मेरा इलाज हो पाएगा, यहाँ तो ऐसे बैठे बैठे और दिक्कत आ जाएगी ना फिर। मेरे को तो कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि हम कुछ मदद कर पाए। मेरे बच्चे के लिए खाली थोड़ा दवाइयां दीजिए। दवाइयां लिखी हुई हैं आपके पास? पर्चा है? दवाई वो क्या, ORS का घोल जो होता है ना? हाँ। ये है दवाई। अभी हॉस्पिटल से कोई पर्चा वगैरह कुछ नहीं? मैंने इधर ये सब से किसी मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि ये सब है हरामी। हाँ। ये सब दवाई बाहर से लिख देता है। उसका पर्चा बन जाएगा अच्छा खासा। हाँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? इतना 1-2 महीना हुआ। 1-2 महीने से यहाँ पर हो? और इस बच्चे के अलावा कौन है? और एक लड़का है, एक लड़की। इनके पापा वगैरह नहीं है, वो खत्म हो गया। आपकी कोई दवाई वगैरह? मेरा दवाई क्या, वही मेरा भी दवाई वही सुने है कि अभी इंटरक्विनल दवाई खाता है। मैं मतलब पर्चा वगैरह तो है नहीं आपके पास, तो मैं मेडिकल पे जाके क्या बोलूं, क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये खाली बोलिएगा यही कि खाली लेटरिन हो रहा है। ठीक है, मैं ले आता हूँ मेडिकल से पूछ के, जैसे भी बताते हैं वो भी शायद अपने हिसाब से दवाई दे देगा, है ना? मैं आता हूँ अभी। इसके लिए थोड़ा दूध ले लीजिएगा बस। बिल्कुल 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 ठीक। दीदी उठ जाओगे आप? वो कहाँ गया छोटा आपका? ये आप रख दो आप उधर अपने पास। ये आपका बताया उन्होंने कोई सिरप वगैरह से थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे मिलता रहूँगा आके, और कुछ चाहिए हो तो आप मेरे को बता दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, एक भाई है के नाते सहारा दे दीजिए। मेरा ना घर है ना मेरा द्वार है। आप ये रोइए मत। भगवान पे भरोसा रखिए दीदी जी। मैं आता रहूंगा आपके पास 2-3 दिन में, कंटिन्यू आता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला जो वो कहाँ गया, उससे मिलते रहेंगे हम आपके।
को छाड़ा है, छाड़ा भी नहीं सुनता है मेरा बात वो। हाँ, कहीं कहीं चल जाता है जानते हैं, और दोगुना गांजा पी लेता है वो छोटा वाला। हाँ, अब बताइए गलत चक्कर में फंस गया कोई फुट्टा कहीं किसी के। हेलो दोस्तों, ये घटना आपने देखी, सफदरजंग अस्पताल की घटना है। काफ़ी शर्मनाक बात है कि सैकड़ों डॉक्टर इनके सामने से निकल जाते हैं, और किसी ने भी प्रशासन और अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, और हजारों ऐसे पेशेंट वहाँ बैठे रहते हैं। हम लोग कोशिश में हैं कि जल्दी से जूस वगैरह पिलाकर देख रेख करके इनको थोड़ा एक्टिव किया जाए, ताकि ये उठकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। हम इन्हें किसी महिला आश्रम छोड़ना चाहते हैं, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी थोड़ी संवर जाए। और दोस्तों, हमारे काम को सपोर्ट जरूर करें। अगर आप में किसी भी अमाउंट के साथ सपोर्ट करते हैं, तो हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।